बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं एजाज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हम वाटर हीटर लगाने आए हैं। तो ये किस तरह लगाना है, क्या क्या करना है, इसके लिए क्या क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए, वो हम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम उस जगह जाएँगे जहाँ पर हमें लगाना है, हैंग करना है, वो जगह देखेंगे। हमारी बिजली आ गई और ये जो हमारे साथ में टीका लगा लिए, इसका इनलेट आउटलेट देखेंगे। ये देखें, ये हमारा इन हो गया, आउट को हम खोलेंगे तो इसमें से पानी नहीं आ रहा, मतलब इसमें से हमारा पानी जाना है। तो इस तरह सबसे पहले हम इसको अनरैप करेंगे, बैग को अनरैप करेंगे। तो इसके साथ इसमें जो क्या क्या लवाजमात है, क्या क्या चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें, जैसे ही हमने अनरैप किया तो ये हमारा एनजी वालों का, नोज गैस वालों का लीटर है, 30 लीटर का, DE08 इसका कोड है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे और इसमें दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ये हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इस तरह बाहर निकाल के इस पर रखेंगे एहतियात से। इसका स्टैंड लगाएंगे, इसमें और क्या क्या चीज़ें, ये देखें, ये हमारा जो इसका वाल है वो हम ठंडे पे लगाएंगे, और इसके लीड्स वगैरह ये देखें कंप्लीट हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले ड्रिल करके इसका स्टैंड लगाएंगे, स्टैंड सामने पहले निशान लगा के स्टैंड लगाएंगे। तो स्टैंड लग गया, अब स्टैंड के बाद हम इसको हैंग करेंगे। इस तरह बिल्कुल एहतियात से हम गीज़र को हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद इसको चेक करेंगे, ये बिल्कुल फिट है। ये देखें, ये हमारी टैप्स आ गई और ये हमारे हीटर का थर्मोस्टेट आ गया। ये अब हम इसको सब मुकम्मल करके, तो इसमें हमने सबसे अहम और एहतियात ये देखनी है कि सबसे पहले कि हमारा ठंडा एकदम बराबर आ रहा है पानी। ये देखें, बिल्कुल फिट है। तो इसके साथ ही गर्म में देखना है कि इसमें वापस पानी तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो अब हम इसके सबसे पहले ठंडे में ये इसका जो वाल आता है वो लगाएँगे, इसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। लेकिन वाल लगाने से पहले हम इस पर थोड़ी सी टेप लगाएंगे। जैसे ही गीज़र को हैंग करेंगे उसके साथ ही हमने कनेक्शन लगाने हैं। कनेक्शन ये देखें, सबसे पहले हम ठंडे का लगाएंगे। ठंडे का लगाने के बाद ही हम इसको पानी ऑन करेंगे, लीकिंग वगैरह चेक करेंगे। गर्म को हम सबसे पहले नहीं लगाएंगे, इसके हम चेक करेंगे, मतलब इसमें पानी आ रहा है, क्योंकि ये 30 लीटर का है तो इसलिए इसमें काफ़ी सारा पानी आएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसका। मार्कर, इस तरह ये हमारा पानी चालू हो गया। पानी के साथ साथ हमने अब इसके बिजली के कनेक्शन कर देने हैं, तो बिजली के कनेक्शन के साथ ही हम इसको ऑन कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना है इसमें पानी भर रहा है। चलते चलते ये देखें, ये पानी फुल हो गया, ये पानी आने लग गया। जैसे ही हमारी खारिज हवा ख़त्म हुई, हम इसको बंद करके कनेक्शन नेक्स्ट लगाएंगे। तो ये कनेक्शन हम फाइनल करेंगे रबड़ लगा के। फिर से दोबारा से इनमें वाशर रख के फिर से दोबारा टाइट किया, तो ये देखें अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब हम इसी के साथ अंदर वाशरूम में जाएंगे, वाशरूम में इसका गर्म का पॉइंट ओपन करके देखेंगे। चलते हैं वाशरूम की तरफ। ये हमारा शावर है, ये देखें, ये हमने ओपन किया और ये गर्म का, जैसे हम खोलेंगे ये देखें गर्म का पानी हमारा यहाँ शावर में आ गया इस तरह, ये देखें। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। चैनल होने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें, ये हमारी ऑन हो गई। ये हमारा गीज़र चालू हो गया। इस तरह ये अब हम गर्म होने लग गया, और इंशाल्लाह चंद मिनटों में ये पानी हमारा गर्म आ जाएगा। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, आपका होस्ट एजाज रशीद। अल्लाह हाफिज़।